कुकीदाता यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू सब वीडियो लेके आई हूँ, जो मैं वेजी सब्जी बना रही हूँ, जिसमें मैंने गाजर लिए हैं और ये बीन की छोटी छोटी सब्जी ली है। इस तरीके से बीन होती है ये, और इस तरीके से बीन है और पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, इन सब चीज़ों के लिए मैं काट लूँगी महीन महीन। तो गाइस मैंने इस तरीके से गाजर काट ली है और ये पत्ता गोभी और गोभी मैंने लिया है थोड़ा, और बीन की सब्जी जो बीन होती है इस तरीके से बीन मैंने काट ली है और शिमला मिर्च महीन महीन काट ली है। और इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे, इसको 2-3 पानी से धोना है, क्योंकि हरी सब्जी है, हरी सब्जी में आप जब धोएंगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, ताकि इसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो निकल जाते हैं। इसलिए आपको जो बहुत ही सफाई से धोना है, कम से कम 3-4 पानी से इसको मैं धो लूँगी। तो गाइस इस तरीके से 4-5 पानी से मैंने धोके और इसे छलनी में रख लिया है, और छलनी में इसलिए रखेंगे क्योंकि इसका जो पानी होता है वो सब इस तरीके से एक बर्तन में निकल आएगा और ये सब्जी का पानी जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस मैंने ये सब्जी धो ली है। तो गाइस मैंने गैस को ऑन करके इसमें मैंने आधा चम्मच ऑयल डाला है, हींग आधा टी स्पून, जीरा आधा टी स्पून, हल्दी पाउडर आधा टी स्पून, और जो वेजीज हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार आप दे सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून छोटा, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये जो भी मसाला है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ध्यान रहे इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। अब गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। इस तरीके से ढक देंगे, लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये वेजीज जले नहीं। और इस तरीके से ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए प्लीज। 5 मिनट हो चुका है, अब इसको मैं खोल के देखती हूँ। अब इसमें देखिए जो थोड़ा सा पानी इसमें सब्जी से निकलता है, इस तरीके से ये पानी अपने आप ही, हरी सब्जियां जो होती हैं पानी अपने आप ही छोड़ती हैं। तो इस तरीके से अब इसको चलाएंगे, इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे, और हाई फ्लेम पे करने के बाद इसको भूनेंगे ताकि ये पानी जो सारा जो है ये सूख जाए। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सूखी से गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रहे इसमें केवल फ्लेवर के लिए डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो गर्म मसाला से कड़वा जाएगा। इस तरह हाई फ्लेम पर जब भूनते रहेंगे तो इसका पानी ऑलरेडी अपने आप ही सूख जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए इसमें जो पानी था सब्जी का वो इसमें सारा सूख चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी देखने में लग रही है। तो अब इसके ऊपर मैं डालूंगी कटा हुआ थोड़ा सा धनिया जो मैंने काट के रख लिया था। अब धनिया से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। इस तरीके से आप देखते हैं मेरी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। और ये देखिए इसमें गोभी के पीस भी हैं और ये गाजर टमाटर अलग अलग दिखा है इसमें, और ये गाजर है। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने टमाटर नहीं डाला है क्योंकि टमाटर इसमें टेस्ट थोड़ा सही नहीं आता है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप टमाटर ले सकते हैं। अब मैं कर दूँगी गैस को बंद, मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय। राधे राधे। पराठे से, पूड़ी से, आप जिसके साथ चाहें तो खा सकते हैं, चाहे तो आप सैंडविच भी बना के खा सकते हैं। सो गाइस थैंक यू।